नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर की क्लास को लेकर आया हूं और इस क्लास के अंतर्गत हम लोग करंट अफेयर 2023 के जनवरी से लगा करके जून तक के महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चंस को इस क्लास में सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय से संबंधित क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा केरल बना है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत का पहला ODF जिला कौन बना है? वायनाड केरल बना है। तीसरा है, सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? महाराष्ट्र बना है। चौथा क्वेश्चन है, मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है बना है? दोस्तों, तो केरल बना है। क्वेश्चन नंबर अगला 5 है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का शहर कौन बना है? तो भोपाल बना है। छठा क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य जिसने अपने सभी पुलिस जिलों में ड्रोन निगरानी प्रणाली स्थापित किया है? तो केरल ने स्थापित किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का पहला रेटिंग लाउंज वाला हवाई अड्डा कौन बना है? तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी बना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का पहला राज्य जिसने राइट टू वॉक लागू किया है? पंजाब ने। 9, भारत का पहला राज्य जिसने उच्च संस्थानों के लिए संस्थागत रैंकिंग ढांचा की शुरुआत की है? तो केरल ने शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? दोस्तों, तो राइट आंसर जो होगा जोगी घोपा असम। क्वेश्चन नंबर अगला 11 है, भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल रन किस शहर में किया गया है? तो कोलकाता में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की पहली अंडरसी ट्रेन टनल का निर्माण किया जा रहा है? मुंबई में किया जा रहा है। माउंट अन्नपूर्णा नेपाल के शिखर पर पहुंचने वाला पहला भारतीय पुरुष कौन है? तो अर्जुन वाजपेयी। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत की पहली जल मेट्रो को हरी झंडी किस शहर में दिखाई गई है? तो कोच्चि में दिखाई गई है। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है, चुनाव आयोग ने किस राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम विकल्प पेश किया है? तो कर्नाटक ने। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का पहला राज्य जिसने अज्ञात निकायों का DNA डेटाबेस बनाया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 18, एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में खोला है? मुंबई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इन सभी क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया जा रहा है? तो बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तेलंगाना में। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की पहली नियो मेट्रो का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? तो देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 22 है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया 75/25 पहल किस रोग से संबंधित है? तो उच्च रक्तचाप और मधुमेह से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रवनीत कौर को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश बना है। दोस्तों, तो दोस्तों फटाफट 100 क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्कूल रूफ पॉलिसी लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो तेलंगाना बना है। क्वेश्चन नंबर 26, 100 विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हरियाणा बन गया है। 27, एक अभियुक्त की जमानत याचिका पर निर्णय लेने के लिए ChatGPT तकनीकी का उपयोग किस हाईकोर्ट ने किया है? तो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने किया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन बना है? तो कृष्ण प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 29, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बन गया है? तो पटना नगर निगम बन गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को मेट्रो पार्किंग के लिए स्वीकार करने वाला भारत का पहला मेट्रो कौन बना है? तो कोची मेट्रो बना है। 31, क्वेश्चन नंबर, रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड राज्य बन गया है। 32, भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की जा रही है? तो जयपुर में स्थापित की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस शहर में पूर्वी भारत का पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया जा रहा है? तो कोलकाता में बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 34, NABH से मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एम्स कौन बना है? तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नागपुर बन गया है। क्वेश्चन नंबर 35, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की प्रथम महिला कौन बनी है? तो मुथमिज सेल्वी बन गई हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत का पहला 100
% डाइमिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर किसने विकसित किया है? तो IIT कानपुर ने विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 37, ग्लोबल कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत का सबसे कुशल बंदरगाह कौन बना है? तो पिपावाव पोर्ट गुजरात बना है। क्वेश्चन नंबर 38, एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना कहाँ शुरू की गई है? तो ठाणे महाराष्ट्र में शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर अगला 39, भारत की राष्ट्रपति ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिषद का उद्घाटन किया है? तो झारखंड में किया है। क्वेश्चन नंबर 40, इंटरनेट इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में इंटरनेट की पहुंच सबसे अधिक है? तो गोवा में है। क्वेश्चन नंबर 41, पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुदेशी इंडोर स्टेडियम किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो मेघालय में बनाया जा रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 है, शिक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार की है। क्वेश्चन नंबर 43, सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वर्ष 18 से 22 तक विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है? तो भारत बन गया है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत का सबसे बड़ा बैठने वाला हॉकी स्टेडियम कौन बना है? तो बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राउरकेला में। क्वेश्चन नंबर 45, भारत का पहला विद्युत तीर्थ गलियारा किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो उत्तराखंड में विकसित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित क्वेश्चन नंबर 46, IQ एयर द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो लाहौर है। क्वेश्चन नंबर 47, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली सऊदी अरब की पहली महिला कौन बनी है? तो रियाना बरनावी बनी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 48, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले संयुक्त अरब अमीरात के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो सुल्तान अल नयादी बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, अपने नई बनने वाली इमारतों में जीवाश्म ईंधन और प्राकृतिक गैस पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य बना है? न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 50 है, हाल ही में किस देश में गर्भपात की गोली को मंजूरी दी गई? तो जापान। क्वेश्चन नंबर 51, IIT मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो तंजानिया। 52 है, किस देश ने निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस पहल की शुरुआत की है दोस्तों? तो बहरीन ने शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 53 है, विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रा किस देश में चलाया गया है? तो नॉर्वे में। क्वेश्चन नंबर 54, ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन R20 के उपयोग को स्वीकृत देने वाला पहला देश कौन बना है? तो घाना बन गया है। क्वेश्चन नंबर 55, दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या है रखा गया है? तो सारा रखा गया। क्वेश्चन नंबर 56, माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार 27 चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो कामी रीता शेरपा ने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 57, अल्कोहल उत्पादों पर स्वास्थ्य चेतावनी को स्वीकार अनिवार्य रूप से लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो आयरलैंड बना है। क्वेश्चन नंबर 58, किस देश की सरकार ने वर्ष 2025 को पर्यटन के लिए विशेष वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो नेपाल को घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 59, फिनलैंड नाटो सैन्य संगठन में शामिल हो गया, इसके साथ नाटो में सदस्य देशों की संख्या कुल कितनी हो गई है? तो 31। क्वेश्चन नंबर 60, दुनिया का सबसे कम स्वतंत्र देश हाल ही में किसे घोषित किया गया? तिब्बत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है, दुनिया का सबसे अमीर शहर हाल ही में किसे घोषित किया गया है? तो न्यूयॉर्क सिटी को घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 62, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज MV इम्प्रेस चेन्नई से किस देश के लिए रवाना किया गया है? श्रीलंका से रवाना किया गया है। क्वेश्चन नंबर 63, किस देश ने पिछले 7 वर्षों में पहली बार सऊदी अरब में अपना दूतावास पुनः खोला है? तो ईरान ने खोला है। क्वेश्चन नंबर 64, भारत फ्रांस और UAE के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2023 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ओमान की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 65, किस देश ने विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग JF-22 का उद्घाटन किया गया है? चीन में। क्वेश्चन नंबर 66, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश में विश्व के सबसे अधिक यूनिकॉर्न है? तो अमेरिका के सबसे अधिक है। 67, संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन बना है? तो भारत बन गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 68, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है? तो अमेरिका बन गया है। क्वेश्चन नंबर अगला 69, विश्व के किस देश में महिला पायलटों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो भारत का है। क्वेश्चन नंबर 70 है, एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है। अगला टॉपिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत की पहली मोबाइल BSL थर्ड प्रयोगशाला का क्या नाम है? तो रामबान है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक किस शहर में शुरू किया गया है? तो नई दिल्ली में शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 73, किस शहर में भारत का सबसे बड़ा स्टेम सेल निर्माण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर अगला 74 है, किस देश ने विश्व की पहली सैंड बैटरी स्थापित की है? तो फिनलैंड ने।
क्वेश्चन नंबर 75, इसरो ने स्नातक तथा स्नातकोत्तर छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो स्टार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय नौसेना ने कलवरी श्रेणी के किस छठी तथा अंतिम पनडुब्बी का समुद्री परीक्षण किया है? तो वाग शीर। क्वेश्चन नंबर 77, केन्या का अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है? ताइफा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 78, दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप को किसने लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स कंपनी ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 79, किस अंतरिक्ष एजेंसी के यात्रियों ने अंतरिक्ष उद्यान का निर्माण किया है जिसमें जीनिया फूल के पौधे की खेती की गई है? तो नासा। क्वेश्चन नंबर 80, बिपरजॉय तूफान ने भारत के किस राज्य के तट से सबसे पहले टकराया? तो गुजरात से टकराया है। अगला है टॉपिक खेल कूद से संबंधित। 81, विश्व की पहली फ्रेंचाइजी आधारित शतरंज लीग ग्लोबल चेस लीग 2023 किस देश में आयोजित होगी? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। 82, गोल्डन ग्लोब रेस को पूरा करने वाला पहला एशियाई कौन बने हैं? अभिलाष टॉमी। 83 है, पुरुषों के पूर्ण सदस्य T20 मैच की अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? तो किम कॉटन बन गई हैं। क्वेश्चन नंबर 84, IPL के इतिहास में 7000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 85, IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो युजवेंद्र चहल बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, IPL के इतिहास में सबसे कम गेंदों 13 गेंद में अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड किसके पास है? यशस्वी जायसवाल के पास। क्वेश्चन नंबर 87 है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बने हैं? तो बाबर आजम बने हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, सभी ICC खिताब जीतने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी है? तो ऑस्ट्रेलिया बन गई है। 89, जेवेलियन थ्रो रैंकिंग में विश्व के नंबर वन खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा बन गए हैं। 90 क्वेश्चन, BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किसे चुना है? तो एडिडास को चुना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित। 91, भारत का पहला सौर शहर कौन बना है? तो सांची बन गया है। क्वेश्चन नंबर अगला 92, किस शहर में पहली मैग्रो पिट्टा पक्षी जनगणना की गई है? तो उड़ीसा। 93, जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? केरल। 94, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव किस राज्य में शुरू हुआ है? तो केरल में। 95 है, विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश में। 96 है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहां विकसित हो रहा है? तो भिवंडी, महाराष्ट्र में। 97 है, एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन किस नदी के बीच बनाया गया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। 98 है, भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता विरासत पार्क किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 99 है, जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में तालाबों और जलाशयों की संख्या सबसे अधिक है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 100 है, अंतिम क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में झीलों की संख्या सबसे अधिक है? तो तमिलनाडु में झीलों की संख्या सबसे अधिक है दोस्तों। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।